शुक्रवार को संभाजी ब्रिगेड की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिस दौरान उन्होंने मेडिकल के कुछ डॉक्टर्स पर 10 वर्षीय आदर्श मिश्रा की मृत्यु का आरोप लगाया। साथ ही उन पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की और मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। मेडिकल प्रशासन की लापरवाही के कारण 10 वर्षीय आदर्श मिश्रा की मृत्यु होने का आरोप 10 वर्षीय पुत्र के पिता राकेश मिश्रा ने लगाया था, जिसके पश्चात वो अपने पुत्र को आरोपियों को सजा दिलाने और आदर्श को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसी के तहत उनकी ओर से अजनी पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा आरोप आदर्श के पिता राकेश मिश्रा ने लगाया है। इस दौरान उनका कहना था कि मेडिकल प्रशासन को इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी मांगे गए, वो भी उन्हें नहीं दिए गए। सर 28 तारीख की रात्रि को मेरे बच्चे को सर्पदंश हुआ, यानी 29 तारीख लग गई थी, सुबह 2 बजे के आसपास मेरे बच्चे को सर्पदंश हुआ। सबसे पहले मैं घर के पास के भवानी हॉस्पिटल में लेके गया, उन्होंने दवाई नहीं है करके मेवा मेडिकल अस्पताल जाने को कहा। उतने ही सर्प मित्र का फोन आया कि आप कहीं मत जाइए, मेवा मेडिकल हॉस्पिटल जाइए करके। मैं फिर मेवा अस्पताल आया, वहाँ से बच्चे को लेकर के मेवा अस्पताल मुझे चिट्ठी निकालने को कहा। उसके बाद में कहा कि हमारे पास दवाई और बेड और वेंटिलेटर नहीं है, डेंगू के पेशेंट ज़्यादा होने के कारण आप बच्चे को मेडिकल हॉस्पिटल लेकर के जाइए। मेडिकल हॉस्पिटल में लेकर के गया, वहाँ पर पर्ची वही रिपीट कराया गया, पर्ची निकालने को कहा गया 2 बार। पर्ची निकालने के बाद वहाँ के जो कैजुअल्टी पे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप वेट करिए, बच्चों के डॉक्टर आ गए। बच्चों के डॉक्टर करीब 20-25 मिनट या आधा घंटा बाद आने के बाद में उन्होंने कहा कि हमारे पास में दवाइयाँ नहीं हैं और ना बेड है ना वेंटिलेटर है, डेंगू के कारण पूरे 10 के 10 बेड भरे हुए हैं, आप बच्चे को कहीं दूसरे अस्पताल में लेके जाइए। मैं हाथ विनंती जोड़ने के बाद, रोने गिन गिराने के बाद उन्होंने मुझे दवाई बाहर से लाने को कहा कि अच्छा आप दवाई ये 10 निकाल के दिए, लिख करके दिए मेरे को कि आप बाहर के मेडिकल से दवाई लेकर के आओ। इस संबंध में संभाजी ब्रिगेड की ओर से शुक्रवार को पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिस दौरान उन्होंने भी मेडिकल प्रशासन पर कई आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अगर इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो मेडिकल चौक में इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। आज हमें आदर्श मिश्रा प्रकरण 3 सोबत जवाब संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष सन्मान्य श्री प्रताप पटले, आमचे उपाध्यक्ष अनूप मुरतकर हाड़केजी आणि मी स्वतः शिरीष घोडे, आम्ही डीनशी ज्यावेळेस चर्चा करायला गेलो तर डीनना या सबन विषयावर चर्चा केल्यानंतर त्यांचं म्हणणं पडलं की आमच्या अधिकाऱ्यांनी यांना सगळं सहकार्य केलं, पण हेच पेशंट घेऊन जायची घाई करत होते म्हणून यांनी आमच्या इथून पेशंट घेऊन गेले आणि त्यांनी आम्हाला रीतसर सह्यासुद्धा करून दिलेल्या आहेत कागदांवर। ते साफ खोटं बोलत होते, त्या सह्या सगळ्या खोट्या होत्या, त्या व्यक्तीच्या त्या सह्या नव्हत्या। आणि त्यांनी हे सुद्धा सांगितलं की या सबन प्रकरणावर मी माझ्या मेडिकल स्तरावर एक कमिटी तयार करून या सर्व विषयाची शहानिशा केली, त्यावेळेस आमचे कुठलेही कर्मचारी यांनी या गोष्टीची हातमिळवणी केली नाही आणि कुठेही यांना आम्ही सहकार्य केलं नाही अशी भाषा नाही। त्यांनी आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी इथे सहकार्य केलेलं आहे, पण संबंधित व्यक्तींनीच आपलं घाई करत होते आणि त्यांना पेशंटला बाहेर घेऊन जायचं असं सांगितलं, पण आम्ही सगळ्या या गोष्टी त्यांच्या ऐकल्यानंतर त्यांना म्हटलं की सर तुम्ही तुमच्या स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीच कमिटी तयार केली, आम्हाला ही कमिटी मान्य नाही, आपण ही कमिटी न करता शासन स्तरावर एक नवीन कमिटी तयार करून या सबन विषयावर नवीन वळण देण्याचं काम करावं। अपने 10 वर्षीय बेटी आदर्श को गंवाने के बाद राकेश मिश्रा पूरी तरह से टूट गए। वो अपने बेटे को न्याय मिले और आरोपियों को सजा मिले, इस उद्देश्य से दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये मामला अब किस ओर रुख लेता है, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।